हेलो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने वैलेंटाइन डे की काफ़ी तैयारी करी है। तो पहले मुझे समझ नहीं आता क्या करें कैसे करें, फिर मैंने दीदी से सजेशन लेके काफ़ी कुछ सोचा है। तो अभी इनको पता नहीं है कि आखिर प्लान क्या है। प्लान मेरा ये है कि इनको ये लग रहा है कि मैं रात को इनको विश करूँगी, लेकिन मैं इनको करूँगी 14 फरवरी की सुबह में विश। तो जैसे ही उठेंगे तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन रहेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने इनके लिए क्या क्या लिया है। ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं इनकी सारी जो भी इनकी एक्सेसरीज हैं, इनका जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो मैं इसके अंदर रखूँगी। और ये काफ़ी अच्छी मुझे पैकेजिंग लगी तो मैंने ये बॉक्स लिया है। और एक छोटा टैडी, ये पेन, क्योंकि इनको लिखना बहुत पसंद है तो इसलिए ये ड्यू लिया मैंने डेनवर का, और अच्छा लगा मुझे। और एक ये रोज़ जो मैं इनको सुबह सुबह प्रपोज करूँगी उसके लिए। और एक ये मैंने लिया है कॉफी मग। तो इसके अलावा मैंने ये पूरा सेट लिया है, आप देख सकते हैं जॉगर्स, तो इससे मैचिंग की है। और इसके बच्चे की मैंने ये कैप ली है, इनको हमेशा वही चीज़ दी है मैंने जो हमेशा ऑफिस में पहनते हैं, तो मैंने उसकी बात कुछ कैजुअल दिया है। तो मैंने ये वॉलेट भी लिया है, मैंने यही सब कुछ चीज़ें ली हैं जिसको मैं बहुत अच्छे से रैप करके इस बॉक्स के अंदर लगाने वाली हूँ। और कैसे मैं इसको कवर करूँगी आपको दिखाऊँगी। इसके अलावा मैंने सरप्राइज़ देने के लिए कुछ ये पेपर्स लिए हैं, और इस पर मैंने अभी तो फिलहाल एक ही मैसेज लिखा है इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह से इनको काफ़ी मैसेजेस तो मैं देने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें आगे क्या लिखने वाली हूँ। फिर आपसे 12 बजे की बात करने वाली हूँ, जो कि सो जाएंगे ताकि उन्हें पता ना चले। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरे दिन में मेरी बातें ना सुन लें। तो ये डेकोरेशन का सामान है जो मैं लेके आई हूँ। तो पहले ही मैंने ये बॉक्स लिया है, और इसके अंदर मैंने कि मैसेज लिखा है ताकि इसको ओपन करें तो इनको ये दिखे। अब मैं इसके अंदर सामान डालूंगी, ठीक है। नोट्स लिखे हैं तो मैं इस तरह से इनको सुबह में दिखाऊंगी। तो बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, आप जब आगे ब्लॉग में देखेंगे। सो गाइस, इनको कुछ पता नहीं है, मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चुपचाप दूसरे रूम में ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब रात के 12 बज चुके हैं। इनसे मैंने कहा है कि मैं आज दीदी के रूम में सोऊंगी, तो मैं बाहर डेकोरेशन करने जा रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
हाय एवरीवन, सुबह हो चुकी है और इनसे पहले मैं उठ चुकी हूँ। जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ ताकि इनको पता ना चले अभी बस आने वाले हैं, और जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। तो पति आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया था। सुबह सुबह उठ के एक साथ सब कुछ
एंड आई डोंट नो ये प्लानिंग कब हुई क्या हुआ, बल्कि मैं ऐसे पूछ भी रहा था कि इनसे कुछ हो रहा है कि नहीं, एंड शी वाज लाइक तुम देख लो। मैंने इनसे रात बोला कि नहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है मेरा, और तुमने क्यों नहीं किया कोई प्लान, तो ये बोले तुम, मुझे लगा तुम करोगे इसलिए मैंने नहीं किया। तो रात ही इनका थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था। एंड एनीवेज जो मैंने भी जो उसे दिया है गिफ्ट या जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड अगेन शी वाज अनअवेयर ऑफ इट, मतलब मैं चुपचाप लेकर आया था, मैंने कहा दे देंगे, पर मुझे ये नहीं पता था सुबह सुबह होगा, मैंने कहा मे बी शायद इवनिंग के टाइम, केक का तो पता था कि केक तो कट हो गई, बट एनीवे इट वाज नाइस एंड लव यू। और मैं भी चाहती हूँ हर बार हम लोग वैलेंटाइन डे ऐसे ही सेलिब्रेट करें, यस, और अपने सारे व्यूअर्स को दिखाएं। बिल्कुल एनीवेज विल मीट यू सून इन अ न्यू ब्लॉग, टिल देन हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल, विल मीट यू सून।